अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफा हैंडवर्क। तो आज हम नेक पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये राउंड शेप नेक है, इस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये सिल्क धागा लिया है और इस धागे के मैंने 5 लेयर करके बनाए हैं। तो मैं 5 लेयर धागे से इस डिज़ाइन को बनाऊँगी और नीडल ले रही हूँ 12 नंबर की। तो इस तरह से सबसे पहले स्लिप नॉट बनाते हुए हम बेस बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। दो चैन लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन सिंगल क्रोशिया, दो चैन सिंगल क्रोशिया के साथ बेस लाइन तैयार कर लेना है। अगर आपके कपड़े में ये 12 नंबर की भी नीडल आसानी से ना जाए तो आप जो है 14 नंबर की नीडल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बना लेना है। इस तरह से जो है हमारी बेस लाइन पूरी तैयार हो गई है। और ये बीचों बीच के नेक में मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा दी है, आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ से पहले आप इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पे ये बीचों बीच में मैंने ये सेफ्टी पिन का निशान लगाया है। तो यहाँ से पहले बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ, बीच तक। तो जितनी इस तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेफ्टी पिन लगा के उतनी ही यहाँ से लेके इस तरफ यहाँ तक देखिए सिंगल क्रोशिया बनी है, ताकि हमारी डिज़ाइन जो है बिल्कुल से परफेक्ट बने, कोई कम ज़्यादा इस तरफ और दोनों तरफ कोई कम ज़्यादा ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे बीच में ये निशान लगाया है। आपके पास ऐसी पिन ना हो तो आप जो है पेन से भी निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि बीच में निशान मैंने लगाया है कि यहाँ पे एक फूल भी बनेगा तो वो भी आसानी रहेगी हमें बनाने में। तो यहाँ से हम किस तरह से देखिए अंदाज़ा लगाएंगे कि फूल हमारा कहाँ कहाँ आएगा। एक फूल ये बीच में आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ देखिए मैंने निशान लगाया है पेन से, यहाँ तक निशान लगा ली हूँ। ऊपर अभी स्पेस नहीं है फूल बनाने की तो ऊपर नहीं लगाई हूँ। तो यहाँ से हमें गिनना है। मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में आपका एक फूल बनेगा, तो इसको छोड़ दीजिए और इस तरफ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दसवें पे एक निशान लगा दीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए पेन से निशान लगाया है और फिर यहाँ पे एक फूल बनेगा। फिर यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ दसवें पे फिर से मैंने निशान लगाया है। फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे दसवें पे निशान लगाई हूँ। तो इससे हमारी क्या होगी, डिज़ाइन बहुत अच्छे से सेट होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। इस तरफ दोनों तरफ, इस तरफ भी बराबर आएगी क्रोशिया, ठीक है। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धागे को लॉक किया है ताकि खुले ना। एक चैन लेके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 तीन चेन लेके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन लेके इसके ऊपर भी बना लेंगे, फिर तीन चेन लेके इस पर भी बना लेंगे, इस पर भी बना लेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे मेरे 4 स्पेस आए हैं। अगर आपका यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया ज़्यादा आ रही होगी आपकी, तो यहाँ पे आपके 5 स्पेस भी आ जाएंगे तो मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कम इससे ज़्यादा भी आपके हो सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चेन लेके अब 1 2 स्पेस को छोड़ के यहाँ जहाँ पे निशान लगाई हूँ ना, इसमें बनाएंगे 1 2 3 3 बना के डबल क्रोशिया, फिर 3
चेन लेके इसी में तीन और बना लेंगे, 1 2 3। इस तरह बना के अब तीन चेन लेंगे, 1 2 3, और इस तरफ एक दो स्पेस को छोड़ के इसके ऊपर बना लेंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर। फिर तीन चेन लेके इस पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये जो स्पेस बन रहा है, इस तरह से यहाँ पे 5 स्पेस बन जाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 गैप बन गए यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे तीन चैन लेके इसमें बना लेंगे, ये फूल वाला जहाँ पे मैंने निशान लगाया है उसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर 3 चेन लेके इस तरफ एक दो स्पेस को छोड़ के इसके ऊपर बनाएंगे, तो अपनी इस लाइन को इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी कर लेंगे। ठीक है, पूरे पे बनाते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए यहाँ तक बना लिया हूँ, ऊपर तक पहली लाइन हमारी पूरी हो गई इस तरह। अब यहाँ पे एक चेन लेके सीधी तरफ आ जाएंगे। अब दूसरी लाइन हम शुरू करेंगे, ये जो सिंगल क्रोशिया बनाई हूँ इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इस पहले गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 3 चेन लेके इसमें बनाएंगे, 3 चैन लेते हुए इसमें भी बना देंगे, 3 चैन लेके इसमें भी बना लेंगे इस तरह से। अब 3 चैन लेके इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब इसके अंदर 3 बार बनाएंगे, 4 5 6, 6 डबल क्रोशिया बना के अब 3 चैन लेके इसके अंदर 3 बार पहले बना लेंगे, 1 2 3, अब 3 इसके ऊपर बनाएंगे, 4 5 6, इस तरह से बनाएंगे 6 इस तरफ डबल क्रोशिया, 6 इस तरफ, बीच में 3 चैन। अब 3 चैन लेके इस तरफ आ जाएंगे और इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 3 चैन लेते हुए यहाँ तक बना लेंगे सिंगल क्रोशिया सब में। इस तरह बना के अब 3 चैन लेके इस तरफ भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरी लाइन हम इसी तरह से बनाते हुए पूरी करेंगे। इस तरह से देखिए हमारी दूसरी लाइन पूरी हो गई। तीन चैन सिंगल क्रोशिया सब पे बनाते हुए आई हूँ ना, तो अब यहाँ पे आखिरी में 3 चैन लेके ये जो सिंगल क्रोशिया का अटैच है एक बार इसके ऊपर बना लेंगे इस तरह। अब इस तरफ आ जाएंगे एक चैन लेके और ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चैन लेके ये चैन में बना लेंगे इस तरह। फिर 3 चैन लेते हुए इसमें, इसमें और इसमें बना लेंगे। अब हम तीसरी लाइन बना रहे हैं।
अब यहाँ पे तीन चैन लेके इसके ऊपर बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बना के फिर एक चैन लेके इसके अंदर बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन लेके इसी के अंदर तीन डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस तरह अब एक चैन लेके इस तरफ बनाएंगे, एक दो तीन, ये तीन के ऊपर बनाएंगे। अब तीन चैन लेके इस तरफ सिंगल क्रोशिया, तीन चैन लेते हुए यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तीसरी लाइन को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारी तीसरी लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ पे आखिरी में ये चेन जो है ना इसके अंदर बना लेंगे इस तरह से। अब एक चेन लेके सीधी तरफ आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना के फिर तीन चैन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया, तीन चैन लेते हुए इसमें और इसमें बना लेंगे। इस तरह अब तीन चैन लेके इन तीनों पे बना लेंगे डबल क्रोशिया। तरह से अब यहाँ पे एक चैन लेके इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब एक चैन लेके इसमें बनाएंगे तो इसके ऊपर हर लाइन में इसी तरह से बनेगी, तीन पहले डबल क्रोशिया फिर तीन चैन फिर तीन डबल क्रोशिया, आखिरी तक इसके ऊपर इसी तरह से बनेगी। इस तरह बना के तीन चैन लेके फिर तीन डबल क्रोशिया इस तरह से। अब एक चेन लेके इसमें डबल क्रोशिया, अब एक चेन लेके इन तीनों पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब तीन चेन लेके इस तरफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब इस तरफ भी ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे इसके ऊपर बनाए हूँ। तो चौथी लाइन को हम इसी तरह बनाते हुए पूरी करेंगे। तो चौथी लाइन हमारी इस तरह से पूरी हो गई। यहाँ पे अब आखिरी में इस चैन में बना देंगे इस तरह, फिर एक चैन लेके ऐसे आ जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर तीन चैन लेते हुए यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह अब तीन चैन लेके इसके ऊपर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब एक चैन लेके इसमें और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन लेते हुए इस तरह से। अब एक चैन लेके इसमें बना लेंगे उसी तरह, पहले तीन डबल क्रोशिया बना के फिर तीन चैन लेके उसी में तीन बार और बना लेंगे। इस तरह
अब एक चेन लेके इस तरफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके इसके अंदर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके इस तीनों पे बना लेंगे। इस तरह से अब तीन चेन लेके इस तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारी पांचवी लाइन बनेगी। अब पांचवी लाइन के बाद जो है छठवीं लाइन भी इसी तरह से बनेगी। पहले यहाँ तीन चेन लेके यहाँ तीन पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेते हुए एक दो तीन, तीन गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेके इसके अंदर जो है इसी तरह से बनाएंगे जैसे हर बार बनाते आ रही हूँ। तो जो है पांचवीं और छठवीं लाइन इसी तरह बनाते हुए मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर सातवीं लाइन कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पांचवीं और छठवीं लाइन मैंने पूरी बना ली है। यहाँ पे देखिए एक दो तीन में डबल क्रोशिया बनी है एक चेन लेते हुए, इस तरफ भी एक दो तीन में बनी है डबल क्रोशिया एक चेन लेते हुए, इसके ऊपर हर बार की तरह बनाई हूँ। अब इसके बाद हम सातवीं लाइन बनाएंगे, इस तरह बना के फिर एक चेन लेके इस तरफ आ जाएंगे, इस पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन लेके इसमें डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया, अब तीन चेन लेके इस तरफ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, इस तरह से। अब एक चेन लेके इसमें डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेते हुए इसमें भी इसमें भी इसमें भी बना लेंगे, इस तरह। अब एक चेन लेके इसमें तीन डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे, फिर तीन चेन, फिर इसी में तीन बार बना लेंगे, इस तरह से। अब एक चेन लेते हुए इस तरफ भी सब में डबल क्रोशिया बना लेंगे, अब एक चेन लेके इन तीनों पे बना लेंगे, इस तरह। अब यहाँ पे देखिए बस एक सिंगल क्रोशिया बची है ना, तो एक चेन लेके इस तरफ बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसके ऊपर बनाई हूँ। तो सातवीं लाइन इसी तरह बनाते हुए पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए सातवीं लाइन हमारी पूरी हो गई। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के एक चेन लेके इस तरफ आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बना के, फिर तीन चेन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया, अब तीन चेन लेके इसके ऊपर तीन बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह। अब यहाँ पे तीन चेन लेके पिकॉट बनाएंगे, वन टू थ्री, इस तरह से। और फिर ये वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन लेके इसमें पिकॉट बना लेंगे, इस तरह से। अब सारे गैप में इसी तरह बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया और पिकॉट, ये हमारी डिज़ाइन की आखिरी लाइन बन रही है।
तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें अपने फैमिली और फ्रेंड वालों के साथ, ठीक है। इस तरह अब इसमें भी बना लेंगे। तरह से अब इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, इस तरह। अब 3 चैन लेके इसके ऊपर भी पिकॉट बना लेंगे, इस तरह। अब इसी में 3 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब इस तरफ बनाएंगे पिकॉट, जैसे इस तरफ बनाई वैसे इस तरफ भी बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले एक बार बना लेंगे 3 चैन लेके, इस तरह। और इसमें डबल क्रोशिया बना के फिर 3 चैन लेते हुए पिकॉट बनाते जाना है सब में। अब इसमें भी बना लेंगे, इस तरह से। इस तरफ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पिकॉट इस तरफ बने हैं ना, 6 इस तरफ भी, 1 2 3 4 5 6। अब इस 3 डबल क्रोशिया पे बना लेंगे तीनों पे, इस तरह से। अब इस तरफ तीनों पे बना लेंगे, इस तरह। अब फिर से यहाँ पिकॉट बनाएंगे। अब इस तरफ भी पूरे पे वैसे ही बनाते जाएंगे, तो हम इस लाइन को इसी तरह बनाते हुए पूरी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये लाइन हमारी पूरी बन गई। अब यहाँ पे आखिरी में सिंगल क्रोशिया बना के और यहाँ पे 2 चैन लेके धागे को कट कर देंगे, इस तरह धागे को कट करके लॉक कर देंगे। अब इस तरह से करके हम देखेंगे नेक कैसा हमारा बना है। डिज़ाइन को ऐसे सीधी तरफ करेंगे, इस तरह से सीधी कर लेना है डिज़ाइन को। इस तरह से देखिए पूरी डिज़ाइन हम सीधी कर लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ से बारीक सी आप सिलाई दे सकते हैं इस तरह करके पूरे पे, और या तो चाहें यहाँ पे बॉर्डर बना लें। तो यहाँ पे बॉर्डर किस तरह से बनेगा वो अभी हम देखेंगे। या तो आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर मशीन से बारीक से ऐसे सिलाई दे दीजिए ऐसे सेट करते हुए, तो ये आपका जो है लेस आपकी सेट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और फिर इस पर अभी अच्छे से जब प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छे से नेक सेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बॉर्डर बनाना हम यहाँ से शुरू करेंगे पीछे की तरफ से। आप चाहें तो इस तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पीछे की तरफ से बताऊँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब 3 चैन लेके इसके ऊपर पिकॉट बना लेंगे, इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 3 चैन लेके इसके अंदर बना लेंगे पिकॉट, इस तरह। अब इस वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन लेके पिकॉट बनाएंगे,
और इसमें सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए पूरे पे बना लेंगे। आप अपनी तरह चाहें तो कुछ और भी बॉर्डर यहाँ पे बना सकते हैं, या तो आप इस तरह से पीकॉट का बॉर्डर बना सकते हैं। ये जो चेन का स्पेस है ना, इसी में बनाते जाना है। ठीक है, तो मैं पूरे पे बना लेती हूँ बॉर्डर, फिर दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है। प्रेस करके मैं इसको सेट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। इस पे मैंने अच्छे से पानी छिड़क के प्रेस कर लिया है। तो देखिए डिज़ाइन किस तरह से सेट हो गई है अच्छे से ना। और आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई बारीक सी पूरे पे लगा दीजिए, वैसे सिलाई नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। देखिए बॉर्डर बनने के बाद इस तरह बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर लग रहा है, नाजुक सा। आप अपने तरीके से कोई और भी बॉर्डर बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से बना सकते हो। और बाद में ये साइडों में मैं सुई धागे से टाके लगा दूंगी, तो ये डिज़ाइन जो है फिक्स हो जाएगी। अभी ऐसी है ना। और जब आप इस पर प्रेस करें तो पानी डाल के अच्छे से, और उसके बाद कॉटन का दुपट्टा बिछा के फिर उसके बाद प्रेस करें, तो डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।